हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एमके क्लास आवर्स। एमके क्लास आवर्स में फिर आपका स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ नया टॉपिक लेकर, और मेरा आज का टॉपिक है टेंस। एक्चुअली मेरे प्यारे बच्चों, टेंस मीन्स कहने का मतलब ये है कि हमने टेंस के दो पार्ट्स इससे पहले अपलोड कर चुका है, और आज इस पार्ट्स को यानी टेंस में जो बचा हुआ हिस्सा है, अभी बहुत लंबा और भी कुछ कंटिन्यू और कई क्लासेस बची हुई हैं, तो आज का क्लास मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ। देख रहा हूँ आज के क्लास में मेरा क्या टॉपिक है, किसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। चलो, इसको देखने के लिए आपको लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा। और मेरे प्यारे बच्चों, आपको एक बात मैं कह दूँ, फिर रिमाइंड कर दूँ कि आपको टेंस अगर आप सीखना चाहते हैं, अंग्रेजी आप सीखना चाहते हैं, तो मेरा पूरा पूरा वीडियो को सही सही तरीके से देखें, काट काट कर ना देखें। चलो देखता हूँ। सबसे पहले हमने टेंस के बारे में, इससे पहले इनका स्ट्रक्चर मैं पढ़ा चुका था और इसको कैसे पहचाना जाए आसानी से उसको मैं पढ़ा चुका था, लेकिन फिर भी अब मैं एक एक करके एक एक टेंस को मैं देखूंगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो देखता हूं। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट आपको मैं बता दूं थोड़ा सा कि अगर आप इसको रिकॉग्निशन या आइडेंटिफिकेशन भी आप कह सकते हैं, जिसको हम पहचान कहते हैं, तो आपको बता देते हैं मेरे प्यारे बच्चे, प्रेजेंट मीन्स है, आप यहाँ पे ता प्लस है। अगर जिस सेंटेंस के अंत में ता प्लस है लगा हुआ है, तो वो प्रेजेंट है, यानी सिंपल प्रेजेंट है। ठीक है, और इनका रूल आपको मैं बता दूँ, सब्जेक्ट प्लस अभी अब प्लस V1 प्लस या V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, जब इसको हम नेगेटिव करते हैं, नेगेटिव करेंगे तो क्या होगा जानते हैं आप? तो नेगेटिव हम बता दें आपको कि सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब अगर मैं चाहूं तो इसको एसनो भी कर सकता हूं, लेकिन एसनो नहीं करूंगा आपको, मैं प्रैक्टिस करके दिखाने के लिए इस तरह से कर रहा हूं, एक एक टेंस को प्रैक्टिस करेंगे। चलिए एग्जाम्पल के तौर पर आप देखेंगे, पहला एग्जाम्पल, वह कॉलेज जाती है। दूसरा एग्जाम्पल है, मैं नहीं खेलता हूं। तीसरा एग्जाम्पल है, क्या आप मुझे जानते हैं। चौथा एग्जाम्पल है, आप कब मुझे पढ़ाते हैं। ठीक है बच्चे, आपका ये हो गया, ये सिंपल में हो गया। अगर मैं इसको एक एक करके बनाऊं तो क्या हो सकता है? सबसे पहले फिर आपको आ जाएगी कि इस सेंटेंस को बनाने के लिए दो तरीके से, चाहे आप आगे से बना सकते हैं या तो रूल के अनुसार। रूल क्या करें, सब्जेक्ट देंगे, तो सब्जेक्ट कौन है यहां? वह का इंग्लिश ही होता है और एक सी होता है, ये दोनों का मतलब वह होता है, लेकिन ही जो होता है ये लड़का के लिए यूज करते हैं। सी किसके लिए यूज करते हैं? लड़की के लिए यूज करते हैं। तो यहां पे वह का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि यहां पे ती है मतलब सी है, तो यहां पे सी। अब कहता है कि ये नेगेटिव नहीं है, V1 या V5 का यूज करेंगे मेरे प्यारे बच्चे। तो आपको ये बता दूं कि थोड़ा सा नोट पे कि आप कह सकते हैं थर्ड पर्सन, किसका? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। अब आपको थर्ड पर्सन समझना होगा, पर्सन समझना होगा, तो पर्सन समझने के लिए मेरा पर्सन वाला वीडियो में देखेंगे, पर्सन क्या है, उसका काइंड्स क्या है, हम उसको एक वीडियो में मैंने डाल अपलोड किया है, उसको आप जरूर देखें। ठीक है, तो आप देखेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, कहता ही सी इट और एनी नेम, कोई भी नाम के साथ क्या देंगे? V5 या डज का यूज करेंगे। ठीक है, V5 या डज का, बाकी जो रेस्ट होगा, जो भी रेस्ट बचेगा, जैसे आई वी
यू दे या पी एन मीन्स प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन जैसे नाउन को एंड से जुड़ गया तो भी प्लूरल हो गया, जैसे एक से अधिक नाउन बॉयज हो गया, बॉयज में बॉयज मीन्स बॉय मीन्स एक, बॉयज बॉयज हो गया तो एक से अधिक हो गया, तो वहां पे आप क्या करेंगे भी वन या डू का यूज करेंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे इस फंडा को समझने के लिए आपको पर्सन को समझना होगा और आपको नाउन जो नंबर वाला वीडियोस है उसको भी आपको देखना होगा, आपका पूरा कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा, इसलिए आप उस वीडियो को जरूर देखें। चलो आते हूं फिर अपनी बात पर। यहां पे कहता सी, अब सी के साथ क्या देंगे, वहां पे मैंने लिखा सी के साथ भर फाइव या डस देंगे, तो यहां पे भर फाइव है तो भर फाइव देंगे। तो भर आपको यहां पे देखना है सबसे पहले एक्शन कौन सा है, कि वह कॉलेज जाती है तो जाती है, तो ती है तो जाना, जाने का अंग्रेजी गो, गो का भर फाइव गोज, तो सी गोज टू कॉलेज। अब बोलेंगे सर ये टू कहां से आया, जब किसी चीज से आप जुड़ते हैं, मेरे प्यारे बच्चों आप अगर किसी चीज से जुड़ते हैं तो जुड़ने के सेंस में आप प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं, और अगर किसी चीज से आप जुदा होते हैं यानी डिफरेंट होते हैं तो आपको वहां पे फ्रॉम का यूज होता है, मीन्स आप वहां पे किसका यूज करते हैं, फ्रॉम का यूज करते हैं। जब किसी चीज से जुड़ते हैं तो टू का यूज, जब किसी चीज से अलग होते हैं तो सेपरेट होते हैं तो वहां फ्रॉम का यूज, तो इसीलिए मैंने यहां पे टू का यूज किया। बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब फिर कहता मैं नहीं खेलता हूं, मैं नहीं खेलता, मैं यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया तो मैं कहीं से आई, तो सब्जेक्ट को समझना पड़ेगा बच्चे, तो मेरा फंडामेंटल क्लास आप एक बार जरूर देखें सब्जेक्ट वाला। ठीक है, तो मैं यहाँ मैं नहीं खेलता हूँ तो मैं का अंग्रेजी क्या होगा आई, आई। अब यहाँ नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव, तो यहाँ पे आई के साथ क्या देंगे डू या डस देंगे, क्या देंगे डू या डस, तो आप कह सकते हैं डू या डस में से क्या होगा आई वी यू दे और प्लूरल नंबर के साथ भी वन या डू का यूज करते, तो आई के साथ डू का यूज कर आई डू। अब यहाँ पे नोट का नेगेटिव नहीं लगा हुआ है, जब नहीं शब्द लगा हुआ है तो हम नोट का यूज करेंगे, तो नोट का यूज आप चाहे इसको ऐसे कर सकते हैं डोंट भी कर सकते हैं या इसको डेफ फर्क ऐसे भी कर सकते हैं। चलो मैं डोंट कर लेता हूं आई डोंट। अब कहता है यहां पे कौन सा है, अब वर्ब तो चाहिए तो वर्ब यानी एक्शन, एक्शन कौन सा है खेलना, तो खेलने का अंग्रेजी होता है प्ले, तो यहां पे आपको देखना है कि क्या लगाना है नेगेटिव में क्या होता है भरवन होता है, तो आई डू नॉट प्ले, मैं नहीं खेलता हूं। अब यहां तो हो गई, अब इस सेंटेंस क्या आप मुझे जानते हैं बच्चे, यहां पे आपको समझना होगा सर ये तो क्वेश्चन आ गया आप इसको कैसे बनाएं, तो आपको बनाने से पहले आपको जानना होगा कि ये कौन सा क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन है क्या आप मुझे जानते हैं, ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन को हम कहते हैं एस नो क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे बच्चे आपको काइंड ऑफ क्वेश्चन भी देखना होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखना होगा, तो मेरे इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरा जो भी आप अगर अंग्रेजी सीखना चाहते तो मेरा पूरा वीडियो इसको शुरू से अंत तक देखें और हमेशा मेरे साथ जुड़े रहें, पक यकीन दिलाता हूँ आप अंग्रेजी पक्का सीख लेंगे, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप मेरा वीडियोस को भी देखें। यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन कैसे समझें, तो चलो फिर भी मैं आपको बताता हूँ, यानी ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर हाँ या ना में दिया जा सके उसे एसनो क्वेश्चन कहते हैं, और एसनो क्वेश्चन हमेशा एच भी यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन है तो डू या डस है, तो आपको यहाँ पे डू या डस से शुरू करना होगा, लेकिन किसके अनुसार अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है आप, आपका अंग्रेजी यू, तो डू यू, डू यू क्या हो गया डू यू। अब नॉट का यूज है तो नॉट नहीं है सेंटेंस में नहीं देंगे। अब कहते हैं जानना, जानने का अंग्रेजी होता नो, नो का वर्ब वन नो ही होता है, डू यू नो। अब किसको ऑब्जेक्ट, तो मैं आपको बता दूं एक्शन का फल जिस पर पड़ता है, काम होने का फल किस पे पड़ा मी पे, तो मी, मी का अंग्रेजी होता आई, आई का ऑब्जेक्ट मी, सॉरी मुझे का अंग्रेजी होता आई, आई का ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी, तो डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हैं, ये क्लियर हो गया। अब यहां पे आया डब्ल्यू एच क्वेश्चन, आप कब मुझे पढ़ाते हैं, आप कब मुझे पढ़ाते हैं, ये हो गया डब्ल्यू एच क्वेश्चन। डब्ल्यू एच क्वेश्चन को हम देखने के लिए डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू करेंगे, तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, वही इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, फिर यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन पैदा हो गई, तो आपको ये जानना जरूरी है कि डब्ल्यू एच क्वेश्चन क्या है, तो मेरा अगला वीडियोज का इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि मेरे चैनल से आप जुड़े रहिए तभी तो आप अंग्रेजी सीख पाएंगे,
बीच बीच पे काट कर कर एक एक पार्ट्स को छोड़ छोड़ कर देखेंगे तो आप कैसे अंग्रेजी सीखेंगे। आपको अगर सीखना है तो मेरा पूरा वीडियो को आप सही सही तरीके से कॉपी कलम लेके बैठ जाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, टटोलना पड़ेगा, तब जाके आप अंग्रेजी सीख सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप चाहें तो इस अंग्रेजी को आप चुटकी में सीख सकते हैं। मेरे चैनल से बस जुड़े रहने की ज़रूरत है। और अगर आप ना चाहें, काट काट कर देखें और बीच बीच पे छोड़ छोड़ कर देखें और मेरा पूरी वीडियोस को नहीं देखें तो मैं आपको पक्का यकीन दिलाता हूँ आप कभी भी अंग्रेजी नहीं सीख सकते। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं, अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप मेरा वीडियोस को जरूर देखें। चलिए फिर देखता हूं, ये डब्ल्यू एच क्वेश्चन क्या है। तो आपको मैंने क्वेश्चन के बारे में बताया था कि द क्वेश्चन विच आंसर कैन नॉट बी गिवन एस और नो बट can be given with the explanation. It is called WH question. And एक ऐसा question जिसका answer हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता but explanation के साथ दिया जा सकता है, उसे WH question कहते हैं। And WH question always starts with the WH word. WH question हमेशा किससे start होता है? WH word से शुरू होता है मेरे प्यारे बच्चों। अब मैं आपको बता दूं, यानी आप कह सकते हैं कि डब्ल्यू एच क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता और डब्ल्यू एच क्वेश्चन हमेशा डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होता है। तो यहां पे आप देखेंगे डब्ल्यू एच वर्ड क्या है। डब्ल्यू एच वर्ड यहां पे कहते हैं कि कब, कब का इंग्लिश होता है वैन। अब यहां पे डब्ल्यू एच वर्ड के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार आएगा? सब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब दो है, यहां एक डू है एक डज है, दोनों में से किसी एक को देना है। तो यहां पे सब्जेक्ट है यू, तो यू के साथ किसका यूज करते हैं? डू का। तो डू यू, व्हेन डू यू। अब कहता है यहां पे मेन वर्ब, मेन वर्ब कौन है? पढ़ाना, पढ़ाने का अंग्रेजी होता है टीच, टीच का वर्ब वन टीच ही होता है। व्हेन डू यू टीच, किसको? मुझे, पढ़ाने के काम मी पे पड़ा, तो मी का यहां पे देखिए तो कहता है व्हेन डू यू टीच मी, आप मुझे कब पढ़ाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस सीख लिया। अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मेरे चैनल में आप मेरे वीडियोस को देखते इस वक्त आप मेरे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें। और आपको अगला वीडियो देखने के लिए, अगला पार्ट्स मिड स्टेट्स का अगला पार्ट्स देखने के लिए मेरे चैनल से लगातार आप बने रहिए। मेरे प्यारे बच्चों, मैं बार बार आपको यही बात कहता हूँ कि सर हर वीडियो में आप ऐसा क्यों कहते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे से शेयर करें। खास करके आपको दूसरे से शेयर करना ही चाहिए, लाइक तो खैर करेंगे ही, सब्सक्राइब करेंगे ही, बट आपको दूसरे से शेयर भी करना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से आप अंग्रेजी के बारे में अननोन हैं, आपके दिल में भी ये ख्वाहिश पैदा हुई है कि नहीं, रहमान सर का मैं चैनल में आया हूँ, एम के क्लास आवर्स चैनल को मैंने सब्सक्राइब किया है और आपके दिल में ये उम्मीद जगी है कि मैं अंग्रेजी सीख लूँगा। उसी तरह से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं, सोच रहा है काश कोई ऐसा चैनल हो जिसके माध्यम से मैं अंग्रेजी सीख सकूँ, क्योंकि मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाता हूँ, तो मेरे पास टाइम नहीं है या मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो वैसे बच्चे बहुत सारे हैं जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं आसानी से। तो आप भी उस बच्चों तक इस मैसेज को जरूर पहुंचाएं और उस बच्चों की जो उम्मीद है उस उम्मीद को पूरा होने में, उनकी जो मकसद है उस मकसद को आप पूरा करें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।